एक पुत्र ने अपने बाप नो यतीम खाने छड़ दिता आंदा अब्बा तेरी खंग झुलर जी है अब्बा मेरे बच्चे बीमार हो जाते ने अब्बा चल तेनू मैं बाहर छड़ के आवा हजरात नी वकार अब्बे नू बाहर यतीम खाने छड़ दिता ओए लोको जो बाप नू छड़ के वापस होया रस्ते दे अंदर बीवी मिल गई बीवी कहन लगी किथे गया सै कहन लगा मैं अपने अब्बे नू छड़ आया जिवें तू गया सी उंजी मैं अपने अब्बे नू छड़ आया बीवी कहन लगी ना ना वापस जा जाके उन्हां नू कह दई ईद वाले दिन भी साडे अब्बे नू बाहर ना कढ़ियो ईद वाले दिन भी इस बाबे नू बाहर ना भेजियो किते घर वापस ना आ जाए ओए सजनों कदी बाप नू घरों नहीं कढ़ी दा कदी बाप नू धक्के नहीं मारी दे कदी बीवियां दी वजह तो बाप नू घरों नहीं कढ़ी दा अदरात नौजवान वापस गया जाके वेख के हैरान रह गया ओदा बाप यतीम खाने दे मालिक नाल गल्लां पिया करदा है हजरात गल्लां पिया करदा है पुत्तर बड़ा हैरान होया जाके उस मालक नू कहन लगा मालक जी तुसी मेरे अब्बे नू जानदे हो मेरे अब्बे नू पहचानदे हो मालक बोल के कहन लगा हां मैं इस बाबे नू बड़ी देर दा जानना वा मैनू 18 साल हो गए ने इस बाबे नू जानदे हो पुत्तर कहन लगा मालक जी मैनू वजह बयान करो इस बाबे नू किवें जानदे हो मालक कहन लगा ओए नौजवाना आज तू 18 साल पहले ए बाबा मेरे कोल आया सी ते आके रोन लग पिया ते रो के कहंदा मालक जी मेरी औलाद कोई नहीं अगर एक पुत्र मेनू मिल जावे अगर एक बच्चड़ा मेनू मिल जावे मेरी गोद हरी भरी हो जावे जदों मैं वडेरा होवां मेरा पुत्र मेरा सहारा बन जावे मालिक बोल के कह लगा मैं इनू एक बच्चा दिता सी ओदी परवरिश करदा रहा ओनू लैके जांदा रहा ओए लोको जो पुत्र ने इनिया गल्ला सुनिया पुत्र रोना शुरू हो गया बाप दे कदमा च डिग गया मालिक कहंदा तू क्यों रोना वे पापा तेरा की लगदा ते पुत्र रो के कह लगा मालक जी 18 साल पहले जिस पुत्र नू बाबे नू दिता सी जे ओ पुत्र होर कोई नहीं ओ मैं वा हजरात पुत्र बाप दे खदमी लग गया आंदा बाबा माफी दे दे बाबा मैनू माफ कर दे बाबा मैनू माफ कर दे ओए सजनों जदों बाप चला गया रोंदे रवोगे कन्ना ना लग लग रवोगे पर बाप दोबारा नहीं जे मिलना कदी बाप ने दोबारा नहीं जे आना क्यों ते मौत हाके मौत ने आ जाना है इसलिए शायद कहते शार इसलिए तर्जमानी की ती शार कहते ऐ वेला सब ते आना है ऐ वेला सब ते आना है हाफज मौत ने घेरा पाना है हाफज मौत ने घेरा पाना है ओ जेड़ा चढ़िया दिन डुब जाना फड़िए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा हजरात जदों लोकां ने मिट्टी थले दे आने ठट्टे पा देने मिट्टी पा देनी है फिर की होवेगा फिर होना की है एक सूरत विखाई जावेगी हाय हाय केड़ा समझ गया आखे सुभान अल्लाह एक सूरत विखाई जावेगी फिर दीद कराई जावेगी एक सूरत विखाई
जावेगी साडा किदा तैमान। जदों भाई जवेल साहब नूं कबर छुटा रहा होना पुत्र पढ़ पढ़ के दुआवां कर देने पुत्र जिक्र दियां महफलां सजा देने पुत्र सरकार दा मिलाद दवा देने पुत्र लोकां दे रोजे इफ्तार करा देने पुत्र सज्जन दे बेली बुला के आंदने मेरे बाबे लई दुआ करो मेरे बाबे लई दुआ करो। फिर साडा किदा तैमान है ओ मैं ते किताबां अंदर पढ़िया एक बाबा जी कब्रस्तान दे कोलों गुजरे एक बारी दरूद पढ़िया अल्लाह ने उस दरूद दा सदका कबर वालियां तू अजाब उठा लिया। ओए जे कोई एक बारी दरूद पढ़े अल्लाह कबर वालियां तू अजाब चुक लैंदा वे ते जेड़ा पैसे ला के एनिया खुल दरूद पढ़ावे फिर ओदी कबर विच आका क्यों ना आया। फिर एक सूरत वखाई जावेगी बस दीद कराई जावेगी फिर ईद मनाई जावेगी। ओ पढ़िए ला ला ए अजीम व शान इजतमा बसिलसिला खत्म पाक जिस दे अंदर सारे हाजिर हाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह दे अंदर दुआए अल्लाह पाक सानू सारिआं नूं इत्थे बैठन दा अजर नसीब फरमाए और भाई जवेद साहब जिन्हां दे वास्ते असीं सारे इकट्ठे हो के बैठे हाँ अल्लाह पाक मरहूम दे दर्जात बुलंद फरमाए अल्लाह करीम उन्हां दी कब्र नूं ठंडा फरमाए अल्लाह करीम उन्हां नूं जन्नत दे बागां विचों अल्लाह उन्हां दी कब्र नूं एक बाग बनाए। हज़रात जी वकार रब्बे कायनात ने कुरान दे अंदर इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइकतुल मौत बेशक हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है। पढ़े लिखे हज़रात तशरीफ फरमाओ खाना होर हुंदा है चखना होर हुंदा है खाना हो रे ते चखना हो रे बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह के रोज़ा लगन दे उची फरमाओ सुभान अल्लाह खाना हो रे ते चखना हो रे। मिसाल दे तौर ते रमज़ान अल मुबारक दा महीना है तो कोई बीबी अलामा साहब कुलकारी साहब कुल गई तो उन्हें जाके आख्या कि मुफ्ती साहब मेरा खामद बड़ा सख्त है वो कहंदा कि अगर हांडी विच मिर्च ज़्यादा हुई तो तैनू तां तलाक तो जे घट हो तैनू तां तलाक मैनू दसो मैं की करा। तो मुफ्ती साहब ने अलामा साहब ने अगो उस बीबी नूं आख्या कि बीबी घर जा के सालन पकाएंगी तो सालन का शोरबा तली तो रख के चख लई चखन ना रोज़ा नहीं टुटेगा बोलो चखन ना रोज़ा नहीं टुटेगा। पता चल गया जे चखन ना रोज़ा नहीं ना टुटदा फिर अल्लाह फरमांदा हर नफ्स ने मौत दा जायका चखना है फिर चखन नाल मौत भी नहीं आ जाती। पता लग्या जाना ते हर बंदे ने वे मौत दा जायका ते चखना है पर जिदू मौत दा जायका चख लेना ना फिर लोकां जिदू फड़ के कबर विच उतार देना है मना मन मिट्टी दे थले दाबना है ते फिर उस बंदे ने उठ के बह जाना है। अगर अमाल चंगे ने ते जजा भी चंगी है अगर अमाल बुरे ने फिर सजा भी बुरी है और साडा सुनिया का तईमान है साडिया कबर में साडे आका ने आ जाना है साडिया कबर में साडे आका ने आ जाना है। उलामा इकराम बोलन दे ने तुसी क्यों नहीं बोलते साडिया कबर में साडे आका ने आ जाना है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी सोहनी अकायद नकल की आप फरमाते ने एक बकरी के पिछे लग गया बघियाड़ तो बकरी अगे अगे तो बघियाड़ पिछे पिछे हुण बकरी ने अपनी जान बचाने वास्ते छाल मारी दल दल दे विच ते बघियाड़ भी पिछू फुल स्पीड च बकरी नूं फड़न दे चक्करां च ते बघियाड़ ने छाल मारी ते उह बकरी नाल भी अगे जाके डिगा ते बकरियां दी इह फड़ लिया ई ते बघियाड़ां दा चाची हसी क्यों है तो उहने कहा हसी मैं तां वां कि मेरे मालक ने जदों घर जाना है उन्हें बकरियां गिननियां उन्हें कहना ओ हो चीनी तो उत्थे ही रह गई है उन्हें तो मैनू लैन आ जाना तेरा कौन है। और सुनियो ऐसे लिए तो मैं भी कहना जो असी कबरों में जाना है
साडे आका ने ते आ जाना है ना मनन वाले ओ तुहाडा कौन है हैं अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुभान अल्लाह माजहल माशाल्लाह अल्लाह इन्हां नूं मदीना पाक दी हाजरी नसीब फरमाए वो नारे वो मारदा जिहदी मां ने गुड़ती या रसूल अल्लाह दी दित्ती होवे हां बंदे ढाई मन दा सिर ला के आड़दे ने हां ठीक है सुभान अल्लाह नहीं छोटी जी जुबान जो कहंदे सरकार ने फरमाया पता ते कल लगना ना कियामत वाले दिन जो सुभान अल्लाह एक तराजू च तोली जानी है तो फिर पता लगना किन्ना वजनी हुंदा है फरमाया सुभान अल्लाह क्या करो ये मुल का पता तुहानू कियामत वाले दिन लग जाना है तो मैं अर्ज कर रहा कि साडिया कबर में साडे आका ने आ जाना सारे बन्ने डट के आखो साडिया कबर साडे आका ने इसलिए फिर मैं उत्थे आना उत्थे कमली वाला आवेगा जवेद भाई अल्लाह तुहानू सलामत रखे वजदान साउंड सिस्टम पूरे पाकिस्तान दुनिया के अंदर गूंजन वाली आवाज भाई उठे कमली वाला आवेगा भाई उथे कमली वाला आवेगा भाई उथे कमली वाला जेड़ा जेड़ा कहता मेरी कबर में मेरे आका ने आ जाना है उठ करम नवाजी फरमा देनी है अजरा तू मेरे नाल पड़े गए उठे कमली वाला आवेगा भाई उथे कमली अल्लाह थोड़े हथा सलामत रखे अल्लाह इन्हों कभी बीमारी ना लावे अल्लाह करे मदीने जावो उथे भी सरकार का जिक्र एवं करो भाई उथे कमली वाला आवेगा भाई उठे कमली वाला आवेगा आओ कमली हेठे लुकावेगा ए फड़िए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला भाई जी तुसी सुल्तानी साहब दे नाल आउंदे हो तुहानू कहंदिया वी डर लगदा पर थोड़ा जिहा साथ आउणा उथे कमली वाला उथे कमली वाला आवेगा आ कमली हेठ लुकावेगा ए फड़िए ला इलाहा इल्लल्ला कलमा ला इलाहा इस कलमे दे राज न्यारे ने इस कलमे दे राज न्यारे ने इस डुबदे बेड़े तारे ने इस डुबदे बेड़े तारे ने ओ सानू दसिया मदीने वाले ने फड़िए ला अल्लाह तुहानू सलामत रखे अल्लाह खरे ऐसे साल मदीने चले जावो पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह अकला भाई जवे साहब के खत्मे पा के चाण लियो ओए लोको जिन्होंने अपने बाप का खत्म दवाया है ये तो उन्होंने पुछना जिन्हों का बाप चला गया है साडा कीदा ते साडा ही मान है जो भाई जवेद साहब कबर छुटारिया गया होएगा अजरात फरिश्ते आके आउणगे आखणगे दस तेरा रब कौन है दस तेरा दीन की है दस नबी बारे की जानना है उत्थे फिर जवेद साहब भी आखते होणगे इहो ही सोहणा वे जिहदा हर साल मिलाद मनांदा रहा एहो ही मदीने वाला है जिदियां हर साल महफल सजांदा रहा वा एहो ही मदीने वाला है जिदा जिक्र करांदा रहा वा एहो ही मदीने वाला है जिदा दिने रात ना जपदा रहा वा इसलिए देसी कहने उठ कमली वाला आवेगा भाई उठ कमली वाला आवेगा आ कमली हेठ लुका वेगा फड़िए ला
इल्लल्लाह अकला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात तुसी भी मर जाना, मैं भी मर जाना, सारे मर जाना, किसे इत्थे नहीं रहना, कोठियां इत्थे ही रह जानियां, बंगले इत्थे ही रह जाने ने, माल दौलत इत्थे ही रह जानी है, कुछ नहीं नाल लेके जाना। शायर ने बड़ी सोहनी कलमा कशी नक्शा कशी की दी है। शायर कहंदा ऐ वेख लै शामा पै गईयां, ऐ वेख लै शामा पै गईयां। हजरात जदों भाई जवेद साहब इस दुनिया तो चले गए, लोगो यार भी आए होंगे, सज्जन भी आए होंगे, संगी साथी भी आए होंगे, चाचे भी आए होंगे, पापे भी आए होंगे, लोगो कोठियां भी इत्थे रह गईयां, बंगले भी इत्थे रह गए, मालो दौलत भी इत्थे रह गई, औलादा भी इत्थे रह गईयां। अगर कम आना जे तो कोई जात है, किदी जात है? मेरे आका दी जात ने कम आना है। इसलिए ते शर कहंदा वेख लै शामा पै गईयां, उतो तुर गया याद ही रह गईयां, वेख लै शामा पै गईयां, तू तुर गया याद ही रह गईयां, हुन डाडियां तकदीरां पै गईयां। पढ़िए ला ला पढ़िए ला ला इल्लल्लाह कलमा ला। जड़े हले भी नहीं पढ़ते पे उन्हां वास्ते जुमला देन लगा। ओए कोठियां लभियां ते सरकार दे सदके, इज्जतां लभियां ते सरकार दे सदके, चेहरे नूरानी ने ते सरकार दे सदके, अल्लाह माल दिता है ते सरकार दे सदके, अल्लाह इज्जतां दित्तियां ते सरकार दे सदके, अल्लाह रुतबे दित्ते ने ते सरकार दे सदके। फिर मैनू कहण दिओ कल जन्नत लभणी है ते मदीने वाली सरकार दे सदके लभणी। पढ़िए ला ला इंज नहीं यार, इंज नहीं, हाथ चुके आखो पढ़िए ला। वाजी वाह क्या बात है, अल्लाह बेटा तेनू सलामत रखे, अल्लाह करे ऐसे साल मदीने जावे। पढ़िए ला ला इल्ला अकला। कुछ बंदे हले भी ऐसे ने जेड़े हथां नूं नहीं चुकदे, सोचदे होणगे असीं हथां नूं क्यों चुकीए, साडी कीड़ी मूवी फे बंदी है। मैं कहना ना ना मूवी नहीं बंदी ते ना बने, शाला दुआ करिया करो ओए ओहदे विच आ जाइए जेड़ी हर वेले उत्ते पई बणदी। अकला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अकला इलाहा। मैं जुमला ख्याल लगा, जुमला सुन के तड़प जाओगे। शार ने बड़ी सोहनी नक्शाकशी की है। शार कहंदा वेख लै ना ना, शार ने बड़ी सोहनी नक्शा किसी के दिए। शार कहंदा वेला सब ते आना है, ऐ वेला सब ते आना है, हाफज मौत ने केरा पाना। हजरात जे भाई जवेद साहब चले गए ने, एक वेला आ जाना है, असी भी चलिया जाना है, तुसी भी चलिया जाना है। ओए लोको ना यार बनणगे, ना संगी बनणगे, ना सज्जन वेली बनणगे, बल्कि जेड़ा बहुता प्यार करदे ने अल्लाह दी कसम ओह मिट्टी भी बहुती पा के आंदे ने। हजरात जदों मैयत घर विच हुंदी है, लोकी कहंदे ने मैयत नूं बहुती देर नहीं रखीदा, जल्दी करो इनू दफना के आ जाओ, इनू मिट्टी थले रख के आ जाओ, बहुती देर मुर्दे नू घर नहीं रखी दा। ओए लोको फिर जिस पुत्र दा बाप होवे इते पता ही उनू होवे ना,
जिन्हों बाप की मैयत चुकनी पवे ये पता ही उन्होंने होवे ना, जिन्हों बाप की चार पाई चुकनी पै जाए लोगों बाप ते बाप होंदा वे। अल्लाह की कसम प्यो ते प्यो होंदा वे। अल्लाह की कसम मियां साहब ने बड़ी सोहनी तर्जमानी की। मियां साहब फरमांदे मां मरे ते वही मापे मुकदे ते वीर मरण कंड खाली ते बाप बिना मोहम्मद बख्शाओ इते कौन करे रखवा। लोको बाप बाप होंदा वे। आओ मैं तुहानू गल सुनावा। किताबां दे अंदर आंदा है एक पुत्र ने अपने बाप नू यतीम खाने छड़ दिता। आंदा अब्बा तेरी खंघ झुलर जी है, अब्बा मेरे बच्चे बीमार हो जांदे ने, अब्बा चल तेनू मैं बाहर छड़ के आवा। हजरात नी वकार अब्बे नू बाहर यतीम खाने छड़ दिता। ओए लोको जो बाप नू छड़ के वापस होया रस्ते अंदर बीवी मिल गई। बीवी कह लगी किथे गया सै? कह लगा मैं अपने अब्बे नू छड़ आया जिवें तू गया सी उंजी मैं अपने अब्बे नू छड़ आया। बीवी कह लगी ना ना वापस जा, जाके उन्हां नू कह दई ईद वाले दिन भी साडे अब्बे नू बाहर ना कढ़ियो, ईद वाले दिन भी इस बाबे नू बाहर ना भेजियो, किते घर वापस ना आ जाए। ओ सजनो कदी बाप नू घरों नहीं कढ़ी दा, कदी बाप नू धक्के नहीं मारी दे, कदी बीवियां दी वजह तो बाप नू घरों नहीं कढ़ी दा। हजरात नौजवान वापस गया, जाके वेख के हैरान रह गया। ओदा बाप यतीम खाने दे मालिक नाल गल्लां पिया करदा है। हजरात गल्लां पिया करदा है। पुत्तर बड़ा हैरान होया, जाके उस मालक नू कहन लगा। कहन लगा मालक जी तुसी मेरे अब्बे नू जानदे हो, मेरे अब्बे नू पहचानदे हो? मालक बोल के कहन लगा हां मैं इस बाबे नू बड़ी देर दा जानना वा, मैनू 18 साल हो गए ने इस बाबे नू जानदे हो। पुत्तर कहन लगा मालक जी मैनू वजह बयान करो इस बाबे नू किवें जानदे हो? मालक कहन लगा ओ नौजवाना आज तू 18 साल पहले ए बाबा मेरे कोल आया सी, ते आके रोन लग पिया ते रो के कहंदा मालक जी मेरी औलाद कोई नहीं, अगर एक पुत्र मैनू मिल जावे, अगर एक बचड़ा मैनू मिल जावे मेरी गोद हरी भरी हो जावे, जदों मैं वडेरा होवां मेरा पुत्र मेरा सहारा बन जावे। मालक बोल के कह लगा मैं इनू एक बच्चा दिता सी, ओदी परवरिश करदा रहा, ओनू लैके जांदा रहा। ओए लोको जदों पुत्र ने इन्नियां गल्लां सुनियां पुत्र रोना शुरू हो गया, बाप दे कदमां च डिग गया। मालक कहंदा तू क्यों रोना वे, पापा तेरा की लगदा? ते पुत्र रो के कह लगा मालक जी 18 साल पहले जिस पुत्र नू बाबे नू दिता सी जे ओ पुत्र होर कोई नहीं ओ मैं वा, ओ मैं वा। अजरात पुत्र बाप दे खदमी लग गया, आंदा बाबा माफी दे दे, बाबा मैनू माफ कर दे, बाबा मैनू माफ कर दे। ओ सजनो जदों बाप चला गया रोंदे रवोगे, कन्ना ना लग लग रवोगे, पर बाप दोबारा नहीं जे मिलना, कदी बाप ने दोबारा नहीं जे आना, क्यों ते मौत हाके मौत ने आ जाना है। इसलिए शायद कहते शार इसलिए तर्जमानी की शार कहते अवेला सब ते आना है, अवेला सब ते आना है, हाफज मौत ने घेरा पाना है, हाफज मौत ने घेरा पाना है। ओ जेड़ा चढ़िया दिन डुब जाना है, फड़िए ला
इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा। हजरात जदों लोकां ने मिट्टी थले दे आना थट्टे पा देन मिट्टी पा देनी है फिर की होवेगा फिर होना की है एक सूरत विखाई जावेगी। हाय हाय केड़ा समझ गया आखे सुभान अल्लाह। एक सूरत विखाई जावेगी फिर दीद कराई जावेगी। एक सूरत विखाई जावेगी साडा कीदा तैमान जदों भाई जवेद साहब नूं कबर छुटा रहा होना पुत्र पढ़ पढ़ के दुआवां कर देने पुत्र जिक्र दियां महफलां सजा देने पुत्र सरकार दा मिलाद दवा देने पुत्र लोकां दे रोजे इफ्तार करा देने पुत्र सज्जन दे बेली बुला के आंदने मेरे बाबे लई दुआ करो मेरे बाबे लई दुआ करो। फिर साडा कीदा तैमान ओ मैं ते किताबां अंदर पढ़िया एक बाबा जी कब्रस्तान दे कोलों गुजरे एक वारी दरूद पढ़िया अल्लाह ने उस दरूद दा सदका कबर वालियां तू अजाब उठा लिया। ओए जे कोई एक वारी दरूद पढ़े अल्लाह कबर वालियां तू अजाब चुक लैंदा वे ते जेड़ा पैसे ला के एनिया खुल दरूद पढ़ावे फिर ओदी कबर विच आका क्यों ना आया। फिर एक सूरत वखाई जावेगी बस दीद कराई जावेगी फिर ईद मनाई जावेगी। ओ पढ़िए ला इलाहा आखरी वाली पढ़िए ला। मैं दुआ करना मेरे मौला अज जेड़ा जेड़ा मेरे नाल हथा नू लहरा के झंडे बना के नबी पाक दे कलमे दा जिक्र पिया कर दावे अल्लाह कार जावे अख लग जावे सोना मदीने वाला आया। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह। साडा सुनिया का दिमाग साडियां कबरां में साडे आका ने आ जाने। बोलो बोलो साडियां कबरां में साडे आका ने आ जाना। सिर्फ गल है वे सरकार नाल प्यार होना चाहिए सरकार नाल मुहब्बत होनी चाहिए। हजूर नाल प्यार हजूर नाल उल्फत है सरकार नाल मुहब्बत है फिर वेखो तेरिया कबरां भी तेरिया कबरां नहीं रहनिया। कबर भी फिर इंसान की कबर नहीं रहती फिर वह जन्नत बागों का बाग बन जाता है। हैं अल्लाहु अकबर कबीरा। ते जड़ियां महफलां च तुसी मैं आके बैठे हो ना ए आम महफलां नहीं सरकार ने फरमाया जिथे अल्लाह उसके महबूब का जिक्र हो खुश बख्तों की महफल होंगी है खुश बख्तों की महफल होंगी है। और सरकार ने फरमाया जे कोई बद बख्त भी आ जाए ना वो भी बद बख्त नहीं रहा वह भी खुश बख्त बन जाता है। पता लग गया सी जिन्हें अज महफल में आए हैं अलहमदुल्ला सारे खुश बख्त खुश बख्त अपनी किस्मत नाज करया करो। अल्लाह की कसम असी सरकार की उम्मती हाँ पिछलियां उम्मतों का कभी मुतालिया करो जो गुनाह कर दिया सन चिड़े बिगड़ जाते सन घर के दरवाजे से लिख दिता जाता है नया गुनाह किया नया गुनाह किया असं किन्ने किन्ने गुनाह करने हैं दिन भी गुनाहों में रात भी गुनाहों में कभी शीशे अगे जाके अपना मुँह तो वेखिए यार इन्ने गुनाह तो फिर भी चेहरा नूरानी हाय हाय पिछलियां उम्मत जो कर दिया सन पाप यारो तो बिगड़ जाता सी हर बदकार का मुँह तो हूँ भी बंदे उंजे ही ने गुनाह
क्यों नहीं बिगड़ता किसी से आकार का मूह ते गंदी मंदी थां तू भी नहीं मुड़ता प्या थां 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 ते मारदा ही मूह आफ जी हुण भी गर्क जहान हुंदा पर यार नू मारदा यार दा मूह यार नू मारदा यार दा मूह ये ते सरकार दा सदका साडे चेहरे नूरानी अल्लाह दी कसम सरकार दा सदका वरना साडे पल्ले कुछ भी नहीं लिया कोई चीज ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਬੜੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਸਜਣੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੇ ਜੁੰਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮੈਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਵਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਬਈ ਜੁੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जुम्मे दा दिन रमजान अल मुबारक दा महीना है वह मुकद्दस महीना जिसकी हर रात नूं अल्लाह अपनी रहमत और शान शान दे मुताबक अल्लाह पहले आसमान ते आ कहिंदा है कोई मंगण वाला है कोई मंगण वाला मैं उन्होंने अता करा है कोई जिदा औलाद कोई नहीं जिदे जिदे बेटा कोई नहीं धी कोई नहीं मैं उन्होंने पुत्र दवा धिया दवा है कोई जिदा चाहता मैं रिजक रवानी हो जाए मेरे को मंगे मैं रिजक दवा और जुम्मे वाले दिन रमजान दे हर जुम्मे नू अल्लाह हर घड़ी च दस दस लख जिन्हां ते जहन्नम वाजिब है ना तवज्जो ना सुनियो दस दस लख जिन्हां ते जहन्नम वाजिब है हर घड़ी च अल्लाह उन्हां नू जन्नती करार देंदे हर घड़ी च ते फिर तुसीं अपने वक्तां ते नाज़ नहीं कर रहे कि किड़ियां सोहणियां घड़ियां विच बैठे हो इन्ना लाका है साबा ने होर भी बेटिया ने होना भी दोस्तों आख्या ही होगा ना तुसी क्यों आए हो क्योंकि आते हैं वो ही जिनको सरकार बुलाते हैं सरकार ने तुहाडी हाजरी कबूल फरमा ली है बस इतना टाइम नहीं क्योंकि खत्मे पाक भी और गाई साहब दुआ भी मंगनी है अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह दे अंदर दुआए अल्लाह सानू सारी अमल दी तौफीक अता फरमाए जिंदा रहो तो ऐसे कि दुनिया एहतराम करे मरो तो ऐसे कि दुश्मन भी सलाम करे वमा अलैना।